हे कृष्णा, आज हम शुरू करेंगे, टुडे वी विल स्टार्ट श्रीमद् भगवत की प्रमुख कथाएं, द मेन स्टोरीज ऑफ श्रीमद् भगवत। देखते हैं पहली कहानी कौन सी है, देखते हैं पहली कथा कौन सी है। लेट्स सी व्हिच इज द फर्स्ट स्टोरी। द फर्स्ट स्टोरी इज शौनक आदि का प्रश्न और श्रीमद् भगवत की महिमा। महिमा मीन्स ग्लोरी। So, question asked by Shaunak and others and glory of Srimad Bhagavat. Let's read. आइए पढ़ते हैं। रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न हुए। रोमहर्षण जी was born in this caste, सूत caste. इनके पिता सारथी का कार्य करते थे। His father used to work as a charioteer. सारथी means charioteer and कार्य करना is to perform the activity. ये भगवान व्यास के शिष्य थे। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ भगवान व्यास। और उन्हीं से समस्त पुराणों का अध्ययन भी किया था। एंड फ्रॉम हिम ही हैड स्टडीड ऑल द पुराणास। इन्होंने नैमिषारण्य में, सो इन नैमिषारण्य, इन्होंने इज रेफरिंग टू रोम हर्षण जी, शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर, सो शौनक आदि एंड अदर ऋषिज अपॉन being asked questions, 88,000 rishiyon ko to 88,000 rishis Srimad Bhagavat ki param pavitra katha sunai thi. He told the most pure, param pavitra is most pure katha sunai thi, he told. So let's read this entire sentence again since a little bit long. इन्होंने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भगवत की परम पवित्र कथा सुनाई थी। एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र, सो टॉप मोस्ट, पुण्यमय मीन्स वेरी होली और वेरी सेक्रेड, टॉप मोस्ट सेक्रेड एरिया नैमिषारण्य। In this place, शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से, भगवत प्राप्ति means to attain भगवान, with this desire to attain भगवान, सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। They performed a ceremony or a ritual where they were great ritual where for thousands of years, सहस्त्र वर्षों तक, thousands of years this yagya was going on. So they started this yagya. उन लोगों ने उस समय सूत जी का भली भांति पूजन करके उनसे प्रश्न किया। At that time, they worshipped सूत जी and they asked a question. सूत जी, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। You have studied a lot of history, Puranas, Dharma Shastra, all the scriptures relating to religion. कृपा करके आप यह बताइए, please tell us, ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, all those scriptures, पुराणों में, in the Puranas, कलयुगी जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है? What is the means of topmost welfare for the jivas, for the living entities? इन कलयुग, कलयुग को आया जानकर हम लोगों ने लंबे समय तक चलने वाले इस यज्ञ का अनुष्ठान किया है। सो नोइंग दैट कलयुग इज हियर, कलयुग को आया जानकर, नोइंग दैट कलयुग इज हियर, वी हैव स्टार्टेड दिस यज्ञ विच इज गोइंग टू गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चलने वाला। अतः देयरफॉर आप हमें भगवान की पावन कथा सुनाकर तृप्त करने की कृपा करें। तृप्त करना इज टू सेटिस्फाई, पावन मीन्स होली और सेक्रेड। सो देयरफॉर यू टेल अस द वेरी सेक्रेड कथा ऑफ भगवान एंड प्लीज सेटिस्फाई अस। सूत जी ने कहा, सूत जी सेड, ऋषियों आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। सुंदर मीन्स ब्यूटिफुल एंड प्रश्न किया है, हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन।
संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, यू हैव आस्क्ड अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. श्रीमद भगवत अत्यंत रहस्यात्मक पुराण है. इट इज़ अ वेरी मिस्टीरियस पुराण. यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला. इट गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ भगवान स्वरूप और समस्त वेदों का सार है. इन इज द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास. इसमें भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया है. इन दिस देर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ भगवान कृष्ण एंड हिज डिवोटीज. वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन वर्णन किया गया. मीन्स देर इज अ डिस्क्रिप्शन. मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है. दैट इज द टॉप मोस्ट धर्म फॉर द ह्यूमन बींग्स, जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो. बाय विच वन गेट्स डिवोशन टू भगवान. बाय विच डिवोशन टू भगवान अराइजेस, उत्पन्न हो. भक्ति भी ऐसी हो. भक्ति शुड ऑल्सो बी लाइक दिस. डिवोशन शुड ऑल्सो बी सच, जिसमें कोई कामना ना हो. वेयर देर इज नो डिज़ायर. ऐसी भक्ति से, बाय सच डिवोशन, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए कृतकृत्य हो जाता है. सो बाय दिस काइंड ऑफ डिवोशन द ह्यूमन बीइंग बिकम्स वेरी ग्रेटफुल फॉर अटेनमेंट आफ्टर सॉरी भगवान परमात्मा की प्राप्ति करके, अटेनिंग परमात्मा, ही बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटफुल. कृतकृत्य मीन्स ग्रेटफुल. भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, एज सून एज ही गेट्स डिवोशन टू भगवान, निष्काम ज्ञान, सेल्फलेस नॉलेज, निष्काम मीन्स सेल्फलेस, और वैराग्य का उदय होता है. वैराग्य इज रिनंसिएशन और फ्रीडम फ्रॉम ऑल वर्ल्डली डिजायर्स. उदय होता है, अराइजेस. धर्म का ठीक ठीक पालन करने से भी यदि मनुष्य के हृदय में, सो फॉलोइंग धर्मा इन अ प्रॉपर वे, ठीक ठीक मीन्स इन अ प्रॉपर वे, इफ इन द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग भगवान की लीला कथाओं के प्रति प्रेम न हो, इफ वन डजंट हैव प्रेम और अफेक्शन टू भगवान्स पास्ट टाइम्स, तो वह केवल श्रम मात्र है. देन ऑल ऑफ दिस फॉलोइंग ऑफ धर्म इज जस्ट अ मियर लेबर. धर्म का फल है मोक्ष. सो द फ्रूट ऑफ धर्म इज लिबरेशन. उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है. इट्स सक्सेस इज नॉट इन हैविंग अक्विजिशन ऑफ वेल्थ. अर्थ प्राप्ति इज अक्विजिशन ऑफ वेल्थ. अर्थ केवल धर्म के लिए है. सो वेल्थ इज ओनली फॉर धर्म. भोग विलास के लिए नहीं है. भोग विलास मीन्स सेंस एन्जॉयमेंट. इट इज नॉट फॉर सेंस एन्जॉयमेंट. भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, जीवन निर्वाह है. भोग विलास का फल, द रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज, इज नॉट टू सेटिस्फाई द सेंसेस. इट्स फॉर लाइवलीहुड. जीवन का फल भगवान को जानने की इच्छा है. द फ्रूट ऑफ लाइफ इज टू नो भगवान, टू द डिजायर टू नो भगवान, जानने की इच्छा. श्रद्धालु मुनि, द डिवोटेड मुनिज, भागवत के श्रवण से, बाय हियरिंग भागवत, प्राप्त ज्ञान वैराग्य और भक्ति के द्वारा, सो थ्रू देयर डिवोशन, नॉलेज एंड रिनंसिएशन दैट इज अटेंड बाय हियरिंग भागवत, अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं. दे हैव दर्शन ऑफ भगवान इन देयर हार्ट्स. भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन मनुष्य को पवित्र कर देता है. सो भगवान श्री कृष्ण, हियरिंग अबाउट भगवान श्री कृष्ण फेम एंड सिंगिंग अबाउट इट और टॉकिंग अबाउट इट, कीर्तन करना मनुष्य को पवित्र कर देता है. इट प्योरिफाइज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग. वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर बैठ जाते हैं. बैठ जाना इज टू सिट. So he comes and sits in the hearts of those who are hearing his katha.
और उनके जन्म जन्मांतर की अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं. एंड ही डिस्ट्रॉयज द इनऑस्पिशियस डिजायर्स विच इज देयर इनसाइड द हार्ट ऑफ द लिसनर फॉर लाइफ टाइम्स. जन्म जन्मांतर की अशुभ, अशुभ मीन्स इनऑस्पिशियस, वासना मीन्स डिजायर, एंड नष्ट कर देते हैं मीन्स ही डिस्ट्रॉयज. श्रीमद भगवत के श्रवण से भगवान के प्रति स्थाई प्रेम की प्राप्ति होती है. वन अटेन्स, स्थाई मीन्स स्टेबल, वन अटेन्स स्टेबल डिवोशन टू, और सॉरी स्थाई इज लाइक लास्टिंग और लाइक परमानेंट डिवोशन टू भगवान, टुवर्ड्स भगवान. भगवत प्रेम से संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं. आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, सो समस्त मीन्स ऑल. सो ऑल अटैचमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर रिमूव्ड, मिट जाती हैं बाय भगवत प्रेम, बाय प्रेम फॉर भगवान. मनुष्य का हृदय आनंद से भर जाता है. सो द ह्यूमन्स लिविंग बींग्स हार्ट इज फिल्ड विद ब्लिस. और आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन हो जाता है. एंड दे हैव दर्शन ऑफ भगवान हु इज द सोल ऑफ सोल. भगवान के दर्शन से हृदय की गांठ खुल जाती है. बाय भगवान्स दर्शन, हैविंग भगवान्स दर्शन, हृदय की गांठ, गांठ मीन्स नॉट. सो ऑल द नॉट्स ऑफ द हार्ट गेट ओपन, खुल जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं. एंड ऑल द डाउट्स गेट इरेज्ड, तथा कर्म बंधन छूट जाते हैं. एंड ऑल द बॉन्डेजेस ऑफ कर्म, बंधन मीन्स बॉन्डेज, छूट जाते हैं मीन्स गेट लेफ्ट बिहाइंड. इस प्रकार सूत जी ने श्रीमद् भागवत संपूर्ण कथा को आदि से अंत तक सुनाकर, सो एंटायर श्रीमद् भागवत कथा फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड सुनाकर, टेलिंग टू द 88,000 ऋषिज, 88,000 ऋषियों को तृप्त कर दिया. सैटिस्फाइड द 88,000 ऋषिज. सभी लोगों ने सूत जी के इस महान उपकार के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट की. सो एवरीवन एक्सप्रेस देयर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर दिस जेनरोसिटी, फॉर दिस फेवर डन बाय सूत जी, ग्रेट फेवर, महान उपकार. उपकार करना इज टू डू अ फेवर. सो एवरीवन फ्रॉम देयर बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स दे एक्सप्रेस्ड दिस ग्रैटिट्यूड. हरे कृष्ण.